क्वेश्चन हमें गिवन है कि यदि यूएन इक्वल्स टू साइन ऑफ एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा, वी एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू एन एंड एन नॉट इक्वल टू वन है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वी एन माइनस वी एन माइनस वन अपॉन यू एन माइनस वन प्लस वन बाई एन एन टू यू एन अपॉन वी एन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें गिवन है यू एन इक्वल टू साइन ऑफ एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा, वी एन हमें गिवन है कॉस ऑफ एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा. अगर हम यू एन माइनस वन देखें तो वो कितना होगा, एन के जगह एन माइनस वन रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा, और वी ऑफ एन माइनस वन होगा कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा. अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वी एन माइनस वी ऑफ एन माइनस वन अपॉन यू ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बाई एन यू एन अपॉन वी एन. तो अगर हम इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस ऑफ एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा माइनस कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा प्लस वन बाई एन इंटू यू एन मतलब साइन ऑफ एन थीटा सेक टू द पावर एन थीटा होल अपॉन कॉस ऑफ एन थीटा सेक टू द पावर एन थीटा. यहाँ से अगर हम सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा कॉमन है तो कॉस एन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा प्लस वन बाई एन इंटू साइन एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा इंटू सेक टू द पावर एन थीटा. तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया. अब सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस एन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा प्लस वन बाई एन साइन ऑफ एन थीटा अपॉन कॉस ऑफ एन थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा प्लस वन बाई एन इंटू टैन एन थीटा. अब और यहाँ पे कॉस थीटा भी होगा जो हमने एलसीएम में लिया था. अब अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस एन थीटा माइनस वन बाई टू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ एन सॉरी ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन बाई एन इंटू टैन एन थीटा. अब हमें पता है कि कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई भी किया है तो ये हमें क्या मिलेगा? कॉस एन थीटा माइनस हाफ इंटू कॉस एन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन माइनस टू थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन बाई एन इंटू टैन एन थीटा. तो ये कितना होगा? वन बाई टू कॉस एन थीटा माइनस वन बाई टू इंटू कॉस ऑफ एन माइनस टू थीटा होल अपॉन साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन बाई एन इंटू टैन एन थीटा. तो इसको हम लिख सकते हैं, हमें एक और फॉर्मूला पता है कि कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी ये होता है टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए बाई टू. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हाफ अगर कॉमन ले ले तो टू साइन ऑफ एन
plus n minus 2 by 2 into theta into sine of n minus 2 minus n by 2 into theta whole upon sine of n minus 1 theta into cos theta plus 1 by n into tan n theta. तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 by 2 से 2 cancel, तो sine of n minus 1 theta into sine of minus theta whole upon sine of n minus 1 theta into cos theta plus 1 by n into tan n theta. हमें एक और formula पता है कि sine of minus theta equals to minus sine theta. तो यहाँ पे हमें ये दोनों term तो cancel out हो जाएगी और हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाय एन इनटू टैन एन थीटा. तो ये हो जाएगा 1 बाय एन टैन ऑफ एन थीटा माइनस टैन थीटा. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. अगर हम इसको इनको कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाय एन कॉमन लेने पे टैन ऑफ एन थीटा माइनस एन टैन थीटा. सो ये भी हमारे एक फॉर्म का सोल्यूशन हो सकता है. सो दिस बोथ आर आंसर्स.